हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ प्रतिभा और मेरे चैनल कानपुर किचन एंड ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुल्फ़ी, और ये कुल्फ़ी मैंने घर पर ही बनाई हुई है दूध से, और ये कुल्फ़ी बहुत टेस्टी लगती है। मुझे लगा कि अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो क्यों ना मैं कुल्फ़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। फ्रेंड्स, घर पर कुल्फ़ी बनाना बहुत ही आसान है, आपका जब मन करे आप कुल्फ़ी बना सकते हैं। और ये कुल्फ़ी बाज़ार की कुल्फ़ी से कई गुना ज़्यादा अच्छी होती है और टेस्टी भी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस कुल्फ़ी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट की, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने 700 ग्राम दूध लिया हुआ है और ये फुल क्रीम मिल्क है। सो आप अगर फुल क्रीम मिल्क की कुल्फ़ी बनाते हैं तो वो ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है, और हम इस गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और इसमें अच्छा सा बॉयल आने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत अच्छा सा बॉयल आ गया है। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, और लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में हम इसे लगातार बीच बीच में हम इसे लगातार चलाते हुए इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि दूध हमारा काफ़ी गाढ़ा होने लगा है, और जब ये हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसमें चीनी डाल देंगे। और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए, क्योंकि दूध जब गाढ़ा होता है तो उसकी भी मिठास होती है। सो आप चीनी इसमें ज़्यादा ना डालें। और यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स काट लिए हुए थे जिसमें बादाम, काजू और पिस्ता थे, अब इनको भी डाल देंगे और फिर से हम इसे वापस गाढ़ा होने तक पकाएंगे। और यहाँ पर मैंने आधा चम्मच इलायची का पाउडर लिया हुआ है, और 2 से 3 इलायची को मैंने चीनी के साथ पीस लिया हुआ है। तो चीनी के साथ इलायची बहुत जल्दी पीस जाती है, उसे भी डाल देंगे। तो सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं, और अब हम इसे थोड़ा सा और गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, क्योंकि अभी ये गर्म है इसकी वजह से थोड़ा सा थिन लग रहा है, बट ये जैसे ही ठंडा होगा तो ये और भी थिक हो जाएगा। तो अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ़ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो मिश्रण था वो काफ़ी ठंडा हो गया है, बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब यहाँ पर ये मेरे पास मोल्ड है, और ये कोई वैसा मोल्ड नहीं है, मैं अपने बेटे के लिए जो पिस्ता कुल्फ़ी लाती हूँ उसी का ये मोल्ड मेरे पास पड़ा हुआ था। सो इसी में हम इसे डाल देंगे और इसे फ्रीज कर देंगे, तो इस तरीके से। और ऊपर से हम इसमें ढक्कन भी बंद कर देंगे, और जब 2 घंटे हो जाएंगे तब हम इसमें स्टिक लगा देंगे, और जो बचा हुआ मिश्रण है उसे हम कप में डाल देंगे। कप में भी बहुत अच्छे से कुल्फ़ी जम के तैयार हो जाती है। और इसमें भी हमें वही करना है कि जब 2 घंटे हो जाएं तो इसमें स्टिक लगा देंगे, तो जिससे कि निकालने में आसानी होगी। और यहाँ पर मैंने इन सारे कप में या मोल्ड में डाल के तैयार कर लिया हुआ है। अब हम इसे फ्रीजर में डाल देंगे, 10 से 12 घंटे के लिए अच्छे से फ्रीज होने देंगे। और 10 से 12 घंटे तक मैंने इसे फ्रीज होने दिया था, और अब मैं इसे फ्रीजर से निकाल के ले आई हूँ। और अभी हम इसे मोल्ड से बाहर निकालेंगे, तो जो कुल्फ़ी मैंने कप में जमाई हुई थी वो मेरे बेटे ने पहले ही खा डाली है, सो जो मोल्ड वाला ही बचा था। तो अगर ऐसे निकालने में प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा एक ग्लास में पानी लें और कुछ सेकंड के लिए इसे डिप करें, तो कुल्फ़ी बहुत ही आसानी से निकल आती है। ये देखिए, मैंने कुछ ही सेकंड के लिए इसे डिप किया था और कुल्फ़ी हमारी बहुत ही आसानी से मोल्ड से निकल आई है। और इसी तरीके से हम दूसरी भी निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी दूध और ड्राई फ्रूट से बनी ये कुल्फ़ी बनके तैयार हो गई है, और ये बहुत टेस्टी बनी है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, अगर हमेशा की तरह आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ।